अर्थव्यवस्था में सुस्ती के संकेतों पर लगातार चर्चा होती रही। अब इन खबरों पर वित्त मंत्रालय ने भी मुहर लगा दी है। वित्त मंत्रालय ने मान लिया है कि साल 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त पड़ी है। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने जिन कारणों को जिम्मेदार माना है, उनमें निर्यात का लक्ष्य हासिल न होना, उम्मीद से कम निजी खपत और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में नरम बढ़त शामिल है। वित्त मंत्रालय की नवीनतम मासिक आर्थिक रिपोर्ट में ये बात स्वीकार की गई है। हालांकि वित्त मंत्रालय का ये भी कहना है कि शेयर बाजार में तेजी और महंगाई में कमी की वजह अर्थव्यवस्था के लिए आगे का रास्ता सकारात्मक नजर आता है और आगे अर्थव्यवस्था की रफ्तार अच्छी रहेगी। जानकारों का मानना है कि असल चुनौती वैश्विक मंदी से पार पाने की है। ग्लोबल स्लोडाउन नहीं, मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी में जो आज इंडस्ट्री प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए थी उसको उतना बढ़ने नहीं दिया। ग्लोबल स्लोडाउन के कारण ही मेरा ये एनालिसिस है, हिंदुस्तान में बाहर से ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, जो पिछले साल पूरी दुनिया का माहौल रहा है, मेरा पर्सनल एनालिसिस ये है कि उसने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को हल्का फुल्का ग्रोथ के अंदर स्लोडाउन दिया है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी से 2019 के दौरान शेयर बाजार में तेजी और महंगाई में नरमी की वजह से आउटलुक बेहतर होने की उम्मीद जताई गई है। कम महंगाई की वजह से 2018-19 के दौरान आरबीआई ने रेपो रेट में कमी की, हालांकि बैंक ने कर्ज दरों में इसका फायदा नहीं पहुंचाया। आईएल एंड एफएस ग्रुप जैसी कंपनियों के डिफॉल्ट करने से पिछले 6 महीने में नकदी की हालत सख्त रही, इस वजह से बैंक कर्ज दर में गिरावट नहीं कर पा रहे। रिपोर्ट ये बताती है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी में अभी हल्का फुल्का, एक बहुत हल्का फुल्का स्लो डाउन आया है। अब उसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहला कारण है कंजम्पशन, यानी डिमांड, जिसको हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ, हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया मानता था, उस कंजम्पशन में हमें ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं दिख रही है। दूसरा कारण है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स में जो ग्रोथ होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। तीसरा है एक्सपोर्ट फ्रंट पे ज्यादा सफलता हमें नहीं मिल रही है। रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद कई चुनौतियों की भी जानकारी दी गई है। निर्यात में फिर से तेजी लाना, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में बढ़त को फिर से कायम करना और कृषि क्षेत्र में आई सुस्ती को दूर करना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अगले महीने की प्रमुख चुनौतियां हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2018-19 की चौथी तिमाही में रुपए में कमजोरी से भविष्य में निर्यात बढ़ाने में मुश्किल आ सकती है। 2018-19 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर दिसंबर के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था महज 6.6% बढ़ी है, जो पिछले 6 तिमाहियों में सबसे कम है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSEO ने भी 2018-19 के GDP ग्रोथ अनुमान को 7.2% से घटाकर 7% कर दिया। जनवरी मार्च 2019 में GDP ग्रोथ रेट में गिरावट के साथ ही निजी खपत में भी गिरावट आई, लेकिन सरकार ने अपना खर्च नहीं बढ़ाया है। इसके पहले एशियाई विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी भारतीय अर्थव्यवस्था में GDP में ग्रोथ के अनुमान को घटा चुकी हैं।